का चाहे लो तो हम अपना खातिर कुछ मांगे नहीं की आई रानी सा, लेकिन जौन लोग आपसे बेहद प्रेम करेले, आपके इज्जत करेले, आप उनका साथ ऐसा काहे करत बानी? डॉक्टर साहब और नंदिनी दीदी के इतना बड़ा सजा काहे दे रहल बानी आप? उनकर का गलती बा? तोहार साथ देवल ओकर सबसे बड़ा गलती बा, और ये गलती के सजा वो दोनों भुगत रहल बाड़े। तू हो खेलू के हमरा से ये सवाल पूछे वाली? ये हमार परिवार बा, हम कुछ भी कर सकेनी। परिवार ता हमार भी बा रानी सा, और हमार होते हुए के और के तकलीफ होके ये हम होखे ना देव। ये छोट कमजोर कंधा कितना रिश्ता के बोझ उठेबू? वीर और नंदिनी के बचावे से पहले तो वो रिश्ता काहे ना बचा ले वेलू, जकरा खातिर तू यहाँ पर आयल रहलू। तोहार बाऊजी हमार बाऊजी जेल से बाहर आ जाई हैं। डॉक्टर साहब और वकील बाबू दोनों हमार मदद कर रहल बाड़े, आज ही मिले वाला बानी हम उनका से, उनका कुछ ना होखी। अच्छा, तू कबो सोचले बाड़ू जब तक तू अपन बाऊजी के जेल से बचेबू तब तक वो जिंदा ही ना बचिए? कबो सोचले बाड़ू ओकर बारे में? का मतलब बाप के? हमार मतलब बा, ई देखा, बाऊजी जरा सोचा, अगर जेल के अंदर हम सीसीटीवी कैमरा लगा के तो हर बाऊजी पे कड़ी नजर रख सकेनी, तो हम का कर सकेनी? अंदाजा हो गया हमार ताकत के। ठीक एक घंटा के बाद जेल में लंच टाइम होगी। लंच टाइम में तो हर बाऊजी के खाना दिहल जाए, जौन में नमक मिर्च मसाला के साथ साथ और कुछ भी हो सकेला, जहर भी हो सकेला। जकरा खाते ही रामू के राम नाम सत्य हो जाए। बाऊजी के बचावे आल रहलू ना, बचा सकेलू तब बचा ला, पर ना पता ना तोहार बाऊजी के साथ का हादसा हो सकेला। रानीसा, रानीसा आपके हमसे तकलीफ बना, हमके ना पसंद करेनी ना आप, तो हमके सजा दे दी ही। लेकिन बाऊजी तो हमेशा से आपके सेवा कैले बाड़े ना, तो फिर उनका साथ ऐसा जुल्म काहे करत बानी आप? आप जे काब हम करे खाते तैयार बानी? आप बाऊजी के कुछ मत होके दी है। इहे आँख में मजबूरी और चेहरा पे बेबसी देखे के इंतजार करत रहनी हम। तू जैसन लोगन के औकात से बाहर फैले के फितरत होखेला, और हमरा तरह के वापस लाइन पे लावे में बहुत मजा आवेला। खैर, तोहार पास वक्त बहुत कम बारानी, जा देखा कहीं तोहार बाऊजी के कुछ हो ना जाए। जैसे ओटी तैयार हो जा हमके इन्फॉर्म कर दिया, और कबीर के कहिए एक बॉटल एनेस्थीसिया दें ग्रेड टू, हम अभी आवत नहीं। ओके सर।
रानी सर। जी रानी सर। वीर हम जानत आने कि तू बहुत बिजी पड़ा, हम तरह डिस्टर्ब ना करे चाहत रानी, लेकिन हमार तबियत कुछ ठीक नहीं खे। हमरा के है ना चक्कर आ रहल बा। चक्कर? रानी साहब ड्राइवर के फोन करता नहीं, जल्दी आ जाए हॉस्पिटल। ओके वीर सुना हमार बात। वीर पैनिक मत होखा, उका बना जब हम तरह से नाराज होखे ना तब हमार मन बहुत भारी हो जाला और फिर रानी साहब ई आवाज त रानी सा के कमरा से आ रहल बा। रानी सा काबिल आपके? रानी सा आँख खोली। रानी सा आप ठीक? डॉक्टर साहब, हम ड्राइवर भेजा था नहीं, आप हॉस्पिटल आइए इमीडिएटली। ओके आप खोलत बड़ी डॉक्टर साहब। कोसा होता उनका के वीर प्लीज परेशान मत होखा, उकाबा चक्कर आ गल रहे और हम ओ गिर गल रहने। बस वीर हम हॉस्पिटल ना आए बेटा, प्लीज हम यहाँ पे ठीक बानी। रानी साहब ऐसे कैसे, हम यहीं पे बानी, आप हॉस्पिटल आ जाएं जल्दी से प्लीज। हम जानत आनी वीर कि तू हमरा के कुछ ना होखे देबा, लेकिन प्लीज हम यहाँ पे ठीक बानी। बस तोहर और हमार बीच में जौन भइल ओहे के टेंशन बा जौन ए तरह निकल रहल बा। प्लीज तू परेशान मत होखा। और रानी बाड़ी हमरा साथ है, वो हमार देखभाल कर ली। हमरा पता बाकी थोड़ा देर खातिर उनका बाहर जाए के बाद तह मैनेज कर ले। और तोहरा खातिर भी तो ऑपरेशन के जाए खातिर बाना, जा डोंट वेस्ट टाइम, हम ठीक बानी। रानी हमार बात सुनी, रानी सा के बीपी के दवाई ड्रावर में रखल बा, शायद सुबह लिहल भूल गेल बानी, तो एक दे दी प्लीज। एक और चीज, हमार जैसे ही सर्जरी खत्म हो जाए हम वापस आ जाए, तब तक रानी सा के छोड़ के कहीं मत जाए प्लीज। डॉक्टर साहब लेकिन हमके बाऊजी से मिले जाए के बाद तो... yes, I know. वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई प्रॉमिस यू हम वापस आके हम खुद ले जाए आपके। इतना रानी सा के छोड़ के ना जा सके नहीं आप, हम रिस्क ना ले सके नहीं प्लीज। अच्छा ठीक बा, अब ठीक बाना वीर बेटा, रानी भी हमरा साथ बाड़ी, वो हमार देखभाल करती, ठीक बा अब जा। आप ख्याल रखो रानी साहब, हम जल्दी से वापस आ जाए। ओके सब जानबूझ के कहीं ना, ताकि हम बाबूजी से मिले ना जा पाए, काहे करत बानी ई सब आप? कितना भोली बाड़ो तू, लेकिन ई भोलापन रामू के बहुत भारी पड़े वाला बा। सिर्फ आधा घंटा बचल बा लंच टाइम खातिर, और तू जाने लू ना कि वीर का कहलस, अब तू का कर पू रानी? रानी सा डॉक्टर साहब आके खातिर इतना परेशान बड़े, ये सब काहे करत बानी आप? तू सवाल बहुत पूछे लू रानी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन बाड़ू एही से ना, अगर हिम्मत बा तो सब कुछ वीर के जाके बता दा, हो सकेला तो हर बात मान भी लेवे, लेकिन ये भी हो सकेला कि वो दौरान तो हर बाऊजी तहार पास वक्त बहुत कम बारानी,
फिर मत कही कि हम तहरा के चेतावनी ना दें। सुनी, अब हम रामाधीर सिंह के बिटिया बानी, उनका से मिलल चाहता नहीं। ए अजीत, अरे इंकर बाबूजी बाड़न अंदर जरा मिलवा दा उनकरा से। रे साहब, लंच के टाइम बा, आधा घंटा के बाद मिलवा दे। लंच टाइम में तो हर बाबूजी के खाना दिहल जाई, जौन में जहर भी हो सकेला, जकरा खाते ही रामू के राम नाम सत्य हो जाए। नहीं नहीं सुनी, अब खाना मत खाए दे, हम लाइल बानी ना खाना उनका खातिर, कुछ मिलल बा खाना में, यही से कहता नहीं। अरे एक दूसरा के सकल का देखत बानी, हमरा पास टेम नहीं के हम कहत बानी ना जाई रोकी उनका के, बुलाई उनका के खाना मत खाए दी ही बस। ए छोरी, ये थाना हा हमार, तार घर ना, समझ लो। देखिए आप समझे की कोशिश करी, हम विजय भाई कहाँ बड़े, उनका के बुलाई ना, हम उनका से बात करब। हाँ, पेट्रोलिंग पर गली बड़ा ना भी, एक बार। देखिए सुनी, आप समझत नहीं कि हमार बात, हमरा पास टेम बहुत कम बा, आपके बाबूजी के बुलाओ के होगी, उनका से कही उनकर बिटिया मिले आयल भी आहा, और खाना खाए से रोक दे उनका। हाँ आप प्लीज जाए ना, अरे गोबर भरल बका दिमाग में, गला फाड़ के समझाई हमका, जाए बुलाई बाबूजी के, उनका खाना खाए से रोकी हम कहत बानी ना, हमार बात समझी ना। साहब, एकर हरकत तो देखी, कमिश्नर लागे लुका तू कि तारा ऑर्डर मानी, चुपचाप बैठ जो होने, चुप प्लीज सम बैठ जो ना। तब साहब, एको कैदी बेहोश हो गई बा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई। रामू के खाते ही रामू के राम नाम सत्य हो जाए। बाऊजी के बचावे अल रहलू ना, बचा सकेलू तब बचा ला। रानी साहब, रानी साहब। हाँ, अभी क्या करता नहीं? ओ वीर जी, हम वीर तू आ गए बड़ा। ओ हाँ, वीर बहुत चक्कर आ रहा बा। आराम से अब नीचे, क्या उतरता नहीं अकेले? ओ केहू नहीं के ना ही से। क्यों नहीं के? रानी कहाँ बड़ी? हम रखे पता ना वीर। रानी, 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 आराम से, आराम से रानी साहब, क्यों बा यहाँ पे? आई बैठी रानी साहब। अच्छा भल तू आ गया वीर जी, बैठी बैठी। और साहब बुलानी कोनो काम बा? एक ग्लास पानी लेके आओ जल्दी, आराम से आराम से। कहाँ रानी आप सब? हाँ रानी साहब, पानी पी। थैंक यू बेटा। कहाँ रहनी आप सब, क्यों जवाब दे? रानी साहब की तबीयत खराब बा, आप में से यहाँ क्यों नहीं रहला? इतना कमजोरी के हालत में ऊपर से आवाज देते रहा आपके, और आप लोग आराम से बैठे बनी नीचे, 24 घंटा आप में से क्यों इनके साथ होके के चाहिए? कुंवर साहब, बहुरानी ऊपर ही रहली, अगर उनके कुछ जरूरत हो तो आवाज देती। माफ करिए कुंवर साहब, गैर जिम्मेदारी के भी हद होला। कहाँ बड़ी रानी? रानी, रानी, दिस इज नॉट डन। रानी अभी फोन लगाओ तनी। रहे दवी, वो कौन जरूरी काम खातिर गईल होगी। रानी साहब, आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ ना है रानी साहब,
लेकिन प्लीज वीर तू चिल्लावल बंद करा, हमरा तहार चिंता हो रहल बा, वो आ जाई। जी जी रानी सा। एक मिनट रानी सा। हटेड हाइबा, गुड थिंग इज कि फीवर नहीं है आपके। हम कुछ दवाई लायल बनी, वो आप खाली अब बेटर फील कर रानी सा। महेंद्र ब्रोकली सूप ले आओ प्लीज, जल्दी से, आप सब जा सके नहीं। हटी हटी जल्दी, पेशेंट की हालत खराब हो जा रहा था। लंच टाइम में तोहार बाहुजी के खाना दिहल जाई जो उनमें जहर भी हो सकेला, जेकरा खाते ही रामू के राम नाम सत्य हो जाई। ये अनर्थ होके से बचा ले माता रानी, हमार बाहुजी हमके सही सलामत वापस चाहिए, उनका कुछ ना होके के चाहिए। अरे जल्दी लेके चला, पेशेंट के सांस टूट रहल बा। हटा हटा सब लोग। रानी बिटिया, ए बिटिया, ए बिटिया, देखा देखा, तू जाने लू ना कि तोहार आंसू हमरा के कमजोर बनावेला बिटिया। अब बलबू का भइल बा, के लागल रहे कि हम आपके। अरे बिटिया, अरे हम तो तेरे दिल में रहे नहीं, कैसे जाए तो के छोड़ के जा सके नहीं का। आपके अभी भी मजाक सोच रहल बा। अरे बिटिया हम सच बोला तानी, ये देखा ठीक ही तो बानी, एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बानी हैं। और एक बात बताई, आज तेरे डांट के डर से हम तो दाढ़ी बनौले हैं और बाल भी कटवाले हैं, लगा तानी ना चौचक। झूठ बोल रहल बानी अब। अरे कहां से सब सही बा, ये जेल सही नहीं खे आपके खातिर बाबूजी, आप हम कहा करी, कितना उम्मीद रख ले रहनी आप हमसे, और हम एक नंबर के नालायक निकलनी, कुछ ना कर पा रहल बानी हम आपके खातिर। अरे थप्पड़ मारा समझा था, ऐसा बोलू था। अरे बिटिया शब्दन में ना बहुत ताकत होला, तू जैसन बोलबू जैसन सोचबू वैसे ही करबू। हाँ बिटिया, ये खातिर कभी भी अपने बारे में ऐसा ना बोली है। अरे तू रानी हो रानी, राज करबू राज, हम जाने नहीं। हाँ पर बिटिया एक बात बा, हर सही काम खातिर एगो सही टेम होला, एगो सफर होला बिटिया, ओमे चाहे कितना भी मुश्किल काहे ना आवे, ओके तय कैले बिना मंजिल तक ना पहुंचल जा सकेला बिटिया। हम जानत हैं बिटिया, तू अपने बस में जौन भी हवे सब करत आड़ू हमरे खातिर, बाकी हमार किस्मत करता। पर बिटिया हार मत मनिहा, ऐसे हार मत मनिहा, चला बतावा इतना घबराइल कहाँ आइलू। आओ जी ओ हम डॉक्टर साहब के फोन। हेलो डॉक्टर साहब। कहाँ बानी आप, जब हम घरे ही नहीं तरानी से अकेले रह ली, सीढ़ी से गिरे वाला रह लिया,
रिक्वेस्ट कर रही ना आपसे, फिर कहाँ छोड़ के चल गई आप? डॉक्टर साहब हमारे पास वजह बा। आपके पास तो हर चीज का वजह होला, पर केकर कदर करे के चाहिए ओकर समझ नहीं की आपके पास। आप जहाँ पे भी बानी अभी के अभी वापस आई घरे, यू अंडरस्टैंड दैट? डॉक्टर साहब कैसे झेल पाई है सच, कैसे बताएं हम उनका कि जे आप देख रहल बानी और समझ रहल बानी वो असल में सच ही नहीं थे। बिटिया का भइल, दामाद जी का बोलत रहना है? कुछ ना, वो आपके बारे में ही पूछत रहले हमरा से। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये बतावा कहे आए लल हुए यहाँ, सब ठीक तबा ना? हमके आपसे मिले भी ना आ सके निका। अच्छा बताएं खाना खाएली कि ना आप? खाना? हाँ अभी खाएनी। काहे का भइल? इनका मने रानी सा ई खेल केवल हमरे और डॉक्टर साहब के बीच गलत फहमी पैदा करे खातिर रचली। हमके डॉक्टर साहब के सब सच बतावे के होखी, ना हम बाऊजी के साथ कुछ गलत होके दे और ना हमार और डॉक्टर साहब के रिश्ता में कोनो दरार आवे दे। सब ठीक तबा? जी ओ। अरे रामू तो हर बात तक अब खत्म ना होगी, चलो टाइम हो गई। बाऊजी आप चिंता मत करी, हम जल्दी ही आपसे मिले आई फिर से और सब कुछ ठीक कर दे, आपके यहाँ से बाहर भी निकाल दे। हाँ हाँ बेटी अपन ख्याल रखो। तो हमारा आदत बिगाड़ रहल बाड़ा बेटा। जी तो हमारे इतना अच्छा ख्याल रख रहल बाड़ा, अगर कल के हमरा कुछ हो गइल और तू यहाँ पे ना रहबा तो हमार ख्याल के राखी? ऐसा मत कह रानी सा, हम आपके छोड़ के कहीं ना जाए और आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी की और कभी ना छोड़ब हम। नेवा आप बस रिलैक्स करी। राजेश्वरी रानी सा, भाई का भाई रानी सा का भेल बा आपके? ब्रो कुछ सीरियस बा का? नहीं अब ठीक बा, डोंट वरी। का डोंट वरी रानी सा, कितना वीक लगत बाड़ी, का भेल आपके? चक्कर आ गेल लल, लेकिन अब स्टेबल बा, आप सब चिंता मत करी प्लीज। आप फोन काहे ना कहनी, एक फोन कर देती हम तुरंत आ जाती। राजेश्वरी का हो गई तोहरा? आर यू ऑल राइट नाउ? और वीर तू तो हॉस्पिटल गए रहला ना? हाँ पापा एक्चुअली रानी साहब के फोन के लिए तो हम मतलब घर में और क्यों ना रहता, आप अकेले रहनी है जा। लेकिन बहू रानी कहाँ बनी, वो तो घर पे रह लेना। बहू रानी घर पे रहली लेकिन पता ना कहाँ बिना बतेले वो बाहर चल गईली। अच्छा भैल तू आ गईला बेटा, वरना आज हम जरूर सीढ़ी से गिर जाएती। ऐसा ना हा, ये बिल्कुल ठीक ना बा, अब बिल्कुल ध्यान ना रख रहे बानी आजकल। और ये कोनो बात भैल भाई, जब तक आप ना आए रहले भाभी के हिजा होके की चाहत रहे ना।
एग्जैक्टली आई मीन ऐसा का लॉटरी लगल रहे जो वो आपके साथ ना रही। इट्स सो रूड। भाभी सा आ गई नी। कहाँ गए लनी आप? जाना तो नहीं रानी सा की तबीयत कितना खराब रहा? सीढ़ियों से गिरे वाला रानी हूँ। अगर हम टाइम पर ना आई थी तो डॉक्टर साहब हम देखिए उनके उठल ना जाता उनसे ऐसा हालत में छोड़ के चल गए नहीं उनके। आप इतना लापरवाह कैसे हो सके नहीं आप रानी? अरे भरोसा कर रानी हम आप पर, ये आप सही ना कहनी रानी। बताइए हमके कहां गए लनी आप? रानी साके तबीयत से ज्यादा जरूरी का आ गए लला आपके? का काम रहा हमके जाने के बाद? और कितना इंतजार करे बा, अब बोल भी दो साहब जे हम प्लान कर ले रहनी। क्लाइमैक्स तो तबे हो ही ना जब तू सच बोल दो। हमरा इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद उनके इसे अकेले छोड़ के चल गए नहीं आप? कहां गए लनी हां? अरे पता ही कहां गए लनी हां? अपन बाबूजी से मिले गए रहनी। हम वादा कर लेनी है ना आपसे कि वापस आके खुद ले जाए हम आपके, तो फिर कहां गए नहीं आप? ऐसा कौन मजबूरी रहा रानी कि इतना जल्दी आपके जाए के पड़ल? थोड़ी देर और ना रुक सकत रहनी आप? उस समय अगर हम रुक जाती तो शायद अपन बाबूजी के खो देती डॉक्टर साहब, लेकिन हम ना जानत रही कि ये सब रानी सा के साजिश बा। और अगर आपके सच बता देनी आपके दिल के कितना दर्द होगी वो हम ना देख सके नी। टूट जाइब आप। हद होला रानी हद। ब्रो रिलैक्स आप ऐसे। ना विक्रम आज हम केहू के बात सुनने के मूड में नहीं, सो प्लीज आप कुछ ना बोला। हर बार आपके गलती के हम आपके नादानी समझ के जाया देत रानी हां। आज अगर रानी सा के कुछ हो जाए उस सीढ़ियों से गिर जाती तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती, क्या करती हमनी के? माफी चाहता नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन हमार वहां जाए जरूरी रहे। रानी सा के जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ ना हरानी। हम का दुश्मन है रामू काका के, 20 साल देले हैं वो ये घर के, हमारे परिवार का हिस्सा है वो। हमने सब कोशिश करता नहीं यहाँ विक्रम, हम रानी साहब सब कोशिश करता उनके बचावे के। हमने सब चाहता नहीं कि आप खुश रहें। रानी साहब खुद गल रही है लायर से मिले खातिर, आप खातिर इतना कुछ करता रही, आप थोड़ी देर और ना रुक सकनी उनके खातिर? ऐसा कौन मजबूरी रहा रानी? अरे चुप खड़ा बनी आप बताई। वीर बेटा आराम से, हमार घर के बहु रानी बाड़ी, ए तरह मत चिल्लाओ हमरा के बुरा लगेला। सुनतनिया ई होला रिश्तन के कदर,
इतना सब कुछ हो गए लेके बावजूद वो आपके फिकर करता रही आपन ना। आप का कहीं नहीं? डॉक्टर साहब हम आपसे कह रहल बानी ना, हम वहाँ गए रहनी कहे कि हमारे गए। अरे जरूरी रहला, जरूरी रहला, जरूरी रहला ही लगा रखल बानी आप। का जरूरी रहला रानी? पॉइंट सिर्फ इतना है रानी कि अगर आज रानी सा के कुछ हो जाए इतना, और वो हमारे बाबूजी के कुछ हो जाए इतना, का मतलब रामू काका जेल में बानी, पूरा प्रोडक्शन के बीच का कहल चाहता नहीं आप? तबीयत खराब है उनका? खराब है तबीयत ना? केस में कोनो नया टर्न आयल बा? क्यों कुछ कहला साहब से? फोन आयल रहे आपके, उनके जान के खतरा बा? कहीं ना कुछ जवाब दें हमके ना। तो फिर कहां गई नहीं आप? कहां गई नहीं आप? हम बताओ तनी कहां कि आपके सिर्फ अपने बाबूजी के फिक्र पर रानी साके ना। इका बोलत बानी आप, अगर वहाँ जेल में हमरे बाबूजी की जगह आपके रानी सा हो रानी! तो तुहार हिम्मत कैसे बल रानी सा के बारे में ऐसा बोले के? ओए सहरी, तमीज से डॉक्टर दोस्त है हमारे, हम जानत नहीं रानी कि तू ये अपन परिवार के मैटर में हमरा के टांग अड़ावे के मना के ले रहा, पर का करी बातें ऐसन बा, और तू सब भी अपनी कान खोल के सुन ला लो, हमारे दोस्त के साथ कोनो भी शोषण भइल ना त टांग अड़ावल और टांग तोड़ल बेरजो दोनों बखो भी जाने ला, समझ ला शहरी बाबू? बिरजू बिरजू ये कहा बोला जात पड़ा, दिमाग खराब का? ये घर हमार हमार लोग बड़े, तू बड़ा की? अरे ये तो दिक्कत बता हर जिंदगी में, हर पास खड़ा इंसान आपन ना होला ही बात तू कब समझ बे रानी? हाँ ये सब लोग के तहर फिकर भी बा, देखा ध्यान से देखा, ये सब के सब एक तरफ खड़ा बड़ा सब, और तू अकेला एक तरफ खड़ा बाड़ू, केहू बा तहर ऐ जा अपन जौन तहर हक खातिर बोल सके? बतावा हमरा के। खबरदार रानी साहब प्लीज आप ना वीर, एकर हिम्मत कैसे भइल हमार घर में आके ऐसे बदतमीजी करे के? मिस्टर तोहार गांव के तौर तरीका हम ना जाने नहीं, और ना ही जाने में हमरा कौनो इंटरेस्ट बा, लेकिन ई जयपुर बा, यहाँ पर ऐसन बदतमीजी करे बालन के हम घर से धक्का मार के बाहर भगा देवे नी। रानी हमार बहुरानी बाड़ी, उनका ख्याल रखल हमरा अच्छा तरह से आवेला,
हमार परिवार के बारे में जाने लगा तू। इतना तो जान गए नहीं हम कि बड़का लोग बोले ला ज्यादा और करे ला कम। बहुरानी बुलाओ तो नहीं आप एकरा के, लेकिन कबो दिल से मल्ले बानी ख्याल भी कहले बानी कबो एकर। चेहरा देख के लागत आपके कि रानी खुश भी आई जा। बिरजू तमीज से बात कर वरना अच्छा ना होई। डॉक्टर साहब ना 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 देखिए गुस्सा मत होई आप। बिरजू हम बात कर रहे हैं अलग से, तू यहाँ पे तमाशा मत करो। अरे हट जा, हम ना डरे नहीं के उसे रानी। गोबर भरल बका दिमाग में समझे के कोशिश करो। इस ससुराल बा हमार ससुराल ई जकर गांव में आके तू तारीफ के फूल बांधत रहलो और तारी डॉक्टर जोन तारा के छोड़ के चल गई रहे और वापस लेवे भी आई और तू पिघल गई रहलो। आप सबके हिम्मत कैसे भाई हमरे पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करे के। ईरानी है वीर प्रताप सिंह राजावत के रानी। अरे एक बार तो हमू सोचनी कि ना यारी बदल गई होगी, लेकिन ना हम बहुते गलत रहनी। सब के सब ढकोसला बाज बाड़ा सन जो दुनिया के सामने प्यार दिखावेला सन और घर के अंदर शैतान बन के बस अपन सब हद पार करता नहीं आप और ये हम बर्दाश्त ना कर। बिरजू तहरे दिखाओ रास्ता पे चला तनी हम डॉक्टर बेकार के बात कर। रुक 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 बिरजू हम हाथ जोड़ के कहा तनी तो से चुप हो जा, झगड़ा मत कर, हो गए नहीं सब तमाशा मत करो। डॉक्टर साहब आप शांत हो जाए। दोस्त के समझाई पहले। हेलो ये इतना शोर का होता पीछे टीवी ऑन बका। टीवी से निकल के ड्रामा हमनी के रियल लाइफ में आ गए बा। भाभी सा के कोनो गुंडा दोस्त तेजा आ पहुंचल बा गांव के, तमाशा बना के रख लेबा। कितना सहलू आप नंदिनी, ऐसन माहौल में रहबू तो डिप्रेस हो जाइबू। छोड़ एगो काम करा हमरा लगे आ जा। आपके पास आ जाए ई वक्त जय घर में लड़ाई चल रहल बा। ई रानी के झगड़ा ता जिंदगी भर चलत रही तक आप ऐसे ही सहत रहे। आ जाना आखिर आपके भी तो ब्रेक चाहिए। सही तो बोल रहल बड़े ई घर में हमार फिकर बाही के करा। हम आवतनी बस बहुत हो गए, अभी ड्रामा से हम और डील ना कर सकेंगे। आई नीड अ ब्रेक। हमने मिस्टर रानी के दुश्मन ना पा समझ नहीं आप तो अपन यकड़ अपन ना समझी कि अपने कंट्रोल में रखी। बिरजू अब दिखा था ना असली जोश ये आंख में, जब अपना परिवार पे बात आई तो कैसे खून खोल उठल ना। बिरजू अब हमार बात सुनना डॉक्टर, रानी परिवार है हमार। काहे करत बड़ा तू ई सब हां, काहे इला तू यहां? अरे जवाब दो काहे इला यहां। तू तो तुहार दोस्त के हालचाल पूछ लो ही ना, तो हम सोचनी हम ही तहरा के खबर पहुंचा दी। खबर पहुंचाओ तनी कि आग लगाओ तनी, पिछला बार गांव के औरत के आप ही भड़कले रहनी ना। हाँ कहले रहनी कहे कि तब हमरा के प्रॉब्लम रहे रानी से, लेकिन आज जो उकरा साथ हो रहल बा वो गांव से ज्यादा बुरा हो रहल बा और ओमे हमार कोनो हाथ नहीं थे। वैसे बिरजू रानी तरह से जौन भी कहले रही वो सब झूठ रहे, वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिंदगी नरक बन गई बा बेचारी के, कहे के तो घर के बहुरानी बाड़ी पर सुबह शाम सिर्फ नौकर के जैसन काम करत रहेली और वीर तरह लगत रहे वीर ओकर इज्जत करेला। फेक बाई सब झूठ बा, वीर के जितना तो शायद ही कोई ओकरा ऊपर अत्याचार करत होगी। और रानी रानी कुछ बोलत भी नहीं थी, बस चुपचाप सहत रहेली। हमरा तो ये सब देखल ना जात रहे, हम सोचनी तरह के फोन करके बता दी। अब तू देख ला कि आगे का करे के बा। बिरजू काहे आइल बड़ा तू यहाँ, जवाब दे बा। हम तहर जन्मदिन खतरा आइल रहनी है जा। बारह मार्च
तारीख याद बा हमरा, भूलल नहीं खी। लेकिन हम ई ना जानत रहनी कि एजा आइला के बाद तार हैप्पी बर्थडे हम ऐसन मनाई। बहुरानी, आपके जन्मदिन आवे वाला बा। ईला ईहा प्यार, अरे केहू के रानी के ख्याल होई तबे ता अपन बहू रानी के जन्मदिन याद रही ना। बस घर के बड़ बड़ी नी रानी के दोस्त बड़ा यही से बर्दाश्त कर रहल बानी तोरा, बार बार ना करा ये बात के अपन ध्यान में रखा। सही बात। अच्छा तब बताइए हमरा के, अपन घर के बहू रानी के जन्मदिन खातिर आप का तैयारी कर ले बानी? कोनो प्रोग्राम बा, कोनो दावत बा, या फिर पूरा दिन ओकरा के डांटे में चिल्लाए में और इल्जाम लगावे में निकल जाला? बिरजू, बिरजू तू गलत सोचत बड़ा, ई सब सच नहीं खे, जो भी मन में आया बोले जाएगा क्या तू? ना बहू रानी, बोले दी एकरा के, हम भी जाने चाहे नहीं कि आपके आपन आपके ससुराल वालन के बारे में का सोचे ले। बोला अजीब खेल बा किस्मत के। रानी सा हमरा हमेशा लागल कि हम रानी के हमार बहू के तौर पे कबो ना अपना पाए, लेकिन वीर यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गए। रानी हमार परिवार के अपनावे ही ना चाहेली, ऐसे वो हमरा के अकेला छोड़ के चल गई ली।